नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हम सीरीज कर रहे हैं भारत के गवर्नर जनरलों के बारे में। मॉडर्न इंडिया चल रहा है, आधुनिक भारत हम पढ़ पा रहे हैं। आधुनिक भारत में जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने वॉरेन हेस्टिंग्स की, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की। आज हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। वो टॉपिक है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी, जिन्हें मार्किस ऑफ डलहौजी भी कहा गया, और कई बार इन्हें अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। अर्ल एक तरह का टाइटल है जो कि एक रिस्पेक्ट के तौर पर इंग्लैंड में दिया जाता था। अर्लडम जो है वो दी जाती थी। तो अर्ल इज अ टाइटल दैट वॉज गिवन टू हिम। बेसिकली अगर हम बात करें तो डलहौजी का नाम जो है वो डलहौजी नहीं था, ठीक है। जो डलहौजी एक वर्ड आया है वो डलहौजी हाउस से आया है। ही वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड और जिनका एक घर था बहुत बड़ा कंट्री साइड में बेसिकली, तो उसे डलहौजी हाउस कहते थे। तो डलहौजी हाउस के नाम पर ही जो है वो लॉर्ड डलहौजी का नाम डलहौजी पड़ा, उन्होंने अपना नाम रखा। और बहुत ही फ्रूटफुल इनका जो टाइम पीरियड है वो भारत में रहा। 1848 से लेके 1856 तक का जो पीरियड है गवर्नर जनरल के तौर पर वो भारत में लॉर्ड डलहौजी का है। और 1856 एक वाटरशेड मोमेंट हम मान सकते हैं भारतीय इतिहास में, क्योंकि उसके एक साल बाद ही 1857 में ही जो है विद्रोह या गदर हम कह सकते हैं या क्रांति कह सकते हैं, जो 1857 की क्रांति के नाम से फेमस है इतिहास किताबों में, तो वो हो जाती है। 1857 का रिवोल्ट एक साल बाद ही हो जाता है जब डलहौजी यहाँ से जाते हैं। तो कुछ तो कारण रहे होंगे कि लॉर्ड डलहौजी के समय काल में जो भी बातें हुई हैं तो वो कुछ कारण ज़रूर रहे होंगे 1857 की क्रांति के। हम देखेंगे जब बात करेंगे हम उस टॉपिक के 1857 के विद्रोह की, तो ये बात भी करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी उनका कार्यकाल जो है वो कहाँ तक जिम्मेवार था उस घटना के बारे में। लेकिन लॉर्ड डलहौजी का जो समय काल है वो एक कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है, मताभास जो है, विरोधाभास जो है वो नजर आता है उनके कार्यकाल में। कुछ गवर्नर जनरल बिल्कुल साम्राज्यवादी नीति को अपना रहे थे, जैसा कि हमने वज़ीरी की बात की, और कुछ गवर्नर जनरल जो थे वो ये चाहते थे कि भारत में भी उसी तरह के सुधार होने चाहिए, उसी तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए जिस तरह के रिफॉर्म्स यूरोप में हुए हैं और यूरोप ने तरक्की की, यूरोप ने विकास किया। तो कुछ गवर्नर जनरल इस प्रक्रिया को अपनाना चाहते थे, जैसे कि विलियम बेंटिक है। लेकिन जो डलहौजी है, डलहौजी इन दोनों का मिश्रण है। लॉर्ड डलहौजी की जो नीति है वो अति साम्राज्यवादी नीति है, इम्पीरियलिज्म एट इट्स बेस्ट हम कह सकते हैं। और दूसरी तरफ वो एक मॉडर्न रिफॉर्मर भी हैं, एक आधुनिक सुधारक भी हैं। तो जितने भी रिफॉर्म्स किए बाकी गवर्नर जनरलों ने भी, सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स का अगर इम्पैक्ट पड़ा कहीं पे आधुनिक भारत में, जो आज हम देखते हैं भारत की तस्वीर, तो लॉर्ड डलहौजी का योगदान जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। टेलीकम्युनिकेशन, संचार माध्यम जो है, रेल, डाक, तार, ये सारी व्यवस्था जो है डलहौजी के टाइम शुरू की गई। इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हमारा जो स्ट्रेस है वो उनकी इस इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी पे रहेगा। जैसे मैंने कहा कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो एक मिश्रण है साम्राज्यवादी नीति का और सुधारवादी नीति का, और ऐसा बहुत ही कम गवर्नर जनरलों में देखा गया है। और जब ये एक मिश्रण नज़र आता है किसी भी गवर्नर जनरल में, तो कुदरतन प्राकृतिक रूप से वो जो कार्यकाल है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, उसका महत्व जो है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो साम्राज्यवादी नीति की ही बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य का वो विस्तार करना चाहता था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष तौर पर या कोई और नीति परोक्ष तौर पर क्यों ना अपनानी पड़े, जिसे हम कहते हैं बैकडोर एंट्री,
बैकडोर एंट्री से भी अगर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो सके तो लॉर्ड डलहौजी को उसमें किसी प्रकार का कोई इतराज़ नहीं था और वो भी हुआ है। तो मुख्यतः तीन तरह की पॉलिसीज उन्होंने अपनाई। फर्स्ट इज वॉर, युद्ध। सेकेंड इज बैक एडमिनिस्ट्रेशन, कुप्रशासन का इल्ज़ाम लगाया। और तीसरी नीति जो है वो बहुत एक यूनिक नीति जिसका संबंध सिर्फ डलहौजी के साथ ही है, दैट वॉज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे हम लैप्स का सिद्धांत भी कहते हैं। हम इन तीनों को बारी बारी से देखेंगे। युद्ध की नीति तो एक डायरेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई चालबाजी या इंटेलिजेंस नज़र नहीं आती लॉर्ड डलहौजी की, क्योंकि ये होता आया है इतिहास में, सदियों से होता आया है कि युद्ध के तरीकों से, युद्ध के माध्यम से एक शक्ति दूसरी शक्ति को कुचलती है, उसका एरिया अपने एरिया में मिलाती है, और इसमें किसी प्रकार की बैकडोर एंट्री का सवाल नहीं है। तो जो युद्ध की नीति अपनाई लॉर्ड डलहौजी ने, वो नीति जो है वो पंजाब के केस में कारगर सिद्ध होती है। और 1849 में जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है, ये जिक्र जो है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं कर चुका हूँ। ये डिटेल्ड टॉपिक जो है वो हो चुका है। ये जो है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो होती है, दूसरा एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ 1849 में, तो उसके बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और ये सीधे तौर पर मिलाया जाने वाला, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से मिलाया जाने वाला भारत का अंतिम राज्य था। और बर्मा और पेगू के क्षेत्र को भी 1848 में जो है हड़प लिया जाता है। इस वॉर हुई थी पेगू, लोअर बर्मा को कहते हैं, लोअर बर्मा का क्षेत्र जो है उसको भी भारत का हिस्सा जो है, भारत का भाग जो है वो बना लिया गया था। तो ये तो एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन था, डायरेक्ट युद्ध हुआ और ये कार्य कुशलता से किया लॉर्ड डलहौजी ने। ये जो दो चीज़ें हैं, बैड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करें, तो ये महज एक बैकडोर एंट्री थी कुछ एरियाज को हड़पने की। अवध, एक बहुत बड़ी स्टेट, एक बहुत बड़ी रियासत जो है अवध, और अवध के साथ ट्रीटी भी हुई थी 1765 में, इलाहाबाद की संधि हुई थी। याद करें बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध के बाद शुजाउद्दौला की जो है वो ट्रीटी होती है कंपनी के साथ, ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और वो एक तरह से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं, मित्रता होती है। लेकिन वो मित्रता भी कहीं ना कहीं दुख रही थी कंपनी को, वो डायरेक्ट कंट्रोल चाहते थे अवध का, क्योंकि अवध एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट उनके लिए बन चुका था। और वो जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो युद्ध के थ्रू हो नहीं सकता था, वो युद्ध करके ये नहीं दिखाना चाहते थे बाकी फोर्सेस को कि हमने बिना किसी प्रोवोकेशन के कि अवध हमें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हम फिर भी उस पे युद्ध कर रहे हैं, अपनी सेना भेज रहे हैं और अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ऐसा वो नहीं चाहते थे। तो तरीका जो बचता था वो बैकडोर एंट्री ही बचता था। लैप्स का सिद्धांत इन पे लागू नहीं होता था, हम देखेंगे कि लैप्स का सिद्धांत क्या है। तो एक चीज, एक बहाना जो उन्होंने ये लगाया वो ये कि वहां पर कुप्रशासन है, वहां पे बैक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां के नवाब हैं, नवाब वाजिद अली शाह, वो एक अच्छी एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण सेट नहीं कर रहे हैं प्रजा के लिए। प्रशासनिक तौर पर एक वो कुशल प्रशासक नहीं है, प्रजा उनसे खुश नहीं है। इस प्रकार के बहाने, इस प्रकार की बातें जो है वो की जाती हैं। और जनरल ऑट्रम जो है वो वहाँ पर मौजूद है। जनरल ऑट्रम का नाम जो है वो सुना होगा, ब्रिटिश रेजिडेंट जो था जनरल ऑट्रम था। जनरल ऑट्रम, ये प्रश्न आ जाता है, तो वो अवध में मौजूद है। एक बहुत फेमस, बहुत मशहूर हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी भी इस अवध के मुद्दे को लेकर बनाई गई थी बेसिकली, और उसमें दिखाया गया था कि वाजिद अली शाह का जो कैरेक्टर है वो भी दिखाया गया है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि वाजिद अली शाह का प्रशासन की तरफ ध्यान कम था, लेकिन वो प्रजा के साथ कुछ गलत करते हों, अत्याचार करते हों, ऐसा नहीं था। उनका जो ध्यान था या उनका जो शौक था, वो नृत्य, संगीत, गीत,
इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा था, कलाओं की तरफ ज़्यादा था, आर्ट्स की तरफ ज़्यादा था। तो उस केस में प्रशासन पे ध्यान थोड़ा उनका कम जा रहा था, लेकिन प्रजा उनसे दुखी नहीं थी, जो मासिस हैं वो उनसे दुखी नहीं थे। द सब्जेक्ट्स वर हैप्पी विद वादी दलीशा, लेकिन उनकी इन्हीं बातों को लेकर कि वो एक अच्छा प्रशासन नहीं कर रहे हैं, तो ये जो इल्ज़ाम लगाया गया और ऑटरम से सारी रिपोर्ट ली डलहौज़ी ने, और उसके बाद वाजिद अली शाह को ये एक लेटर भेजी जाती है कि आपको यहाँ से हटाया जा रहा है और अवध के ऊपर जो है वो कंपनी का प्रशासन होगा, कंपनी के अधीन जो है वो इसे दिलाया जा रहा है। अब बात करते हैं लैप्स के सिद्धांत की। सबसे फेमस जो पॉलिसी नीति अपनाई है डलहौज़ी ने भारतीय रियासतों को हड़पने के लिए, वो लैप्स का सिद्धांत है। तो लैप्स का सिद्धांत में ये कहा गया लॉर्ड डलहौज़ी द्वारा कि अगर किसी राजा के, किसी शासक के कोई संतान नहीं होती है तो उसका राज्य हड़प लिया जाएगा और उसके गोद लिए पुत्र को राजा बनने की आज्ञा नहीं होगी, उसे परमिशन नहीं दी जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर किसी शासक के यहाँ कोई औलाद नहीं होती तो उसका राज्य, उसकी रियासत जो है वो कंपनी द्वारा हड़प ली जाएगी, कंपनी द्वारा अपनी तरफ ले ली जाएगी और उसकी गोद लिए पुत्र को शासक के ये आज्ञा नहीं होगी कि वो शासन कर सके। क्या ये बात सभी भारतीय रियासतों पे लागू होती थी? उस टाइम लगभग 2/3 जो एरिया था वो ब्रिटिश का बन चुका था और 1/3 देसी रियासतें थी, और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि उनकी पेरिफेरी में ये देसी रियासतें जो हैं वो एग्जिस्ट करें, जबकि बहुत सारी देसी रियासतें जो हैं वो फ्रेंडली थी ब्रिटिश की तरफ, उनका कोई भी कोई दुश्मनी वाला जो बात है वो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट कंट्रोल चाहते थे। तो ये बात सभी रियासतों पे लागू होती हुई ऐसा नहीं था। तो एक टर्म एंड कंडीशन होती है ना, एक राइडर होता है, एक राइडर जोड़ दिया गया कि ये बात वहाँ पर लागू नहीं होगी जो कभी मराठा और मुगलों के अधीन ना रही हो, उस रियासत पे ये बात लागू नहीं होगी। मतलब कि जो रियासतें हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हैं, हमेशा से जो रियासतें स्वतंत्र रही हैं और किसी भी तरह से मराठा मुगल के अधीन नहीं रही, अभी ब्रिटिश का तो यहाँ पे नाम ही नहीं आएगा क्योंकि ब्रिटिश तो अपना पैर जमा रहे हैं, अपने कब्जा कर रहे हैं, लेकिन पीछे अगर कोई रियासत मराठा और मुगलों के अधीन नहीं रही तो उस पर ये नीति लागू नहीं होगी। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि ऐसी कोई भी रियासत जो है, इक्का दुक्का कोई छोटी मोटी रियासत हो सकती है, लेकिन कमोबेश लगभग सभी रियासतों के ऊपर मराठाओं ने या मुगलों ने रूल किया ही किया है, वो रियासतें मुगलों के अधीन या मराठों के अधीन रही ही हैं। यानी कि सभी रियासतों से कोई भी रियासत हम ऐसी नहीं निकाल सकते हैं जो मराठाओं को या मुगलों को कर ना देते हों। अधीन का मतलब है कि वहाँ से वो टैक्स ना देते हों, वो कर ना देते हों। तो लगभग सभी रियासतें इसमें आती थी। तो ये जो राइडर था, ये एक टर्म एंड कंडीशन लॉर्ड डलहौज़ी द्वारा लगाई गई, ये लोगों को दिखाने के लिए थी कि हम उन रियासतों पर कब्जा नहीं करेंगे, हम वहाँ पर आज्ञा दे देंगे शासक को कि उसका गोद लिया पुत्र जो है वो रूल कर सकता है, लेकिन बाकी रियासतों को हम आज्ञा नहीं देंगे, वहाँ पर तो ये नीति चलेगी। और सबसे पहली रियासत जो है वो सतारा महाराष्ट्र में, आज महाराष्ट्र में सतारा को हड़पा गया। सतारा को लैप्स ऑफ नीति के अधीन कंपनी ने मिला लिया अपने राज्य में, जितना भी एरिया वो कवर कर चुके थे सतारा भी उसमें आ गया। उसके बाद धीरे धीरे जाजपुर, सांबलपुर, उड़ीसा, बघात, झांसी, बुंदेलखंड का एरिया झांसी, और फिर नागपुर जो है वो लास्ट रियासत थी, लास्ट प्रिंसिपैलिटी थी जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है वो मिलाया गया। झांसी का नाम जो है वो बहुत फेमस हो जाता है क्योंकि कमोबेश हम सभी को रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी पता है कि किस प्रकार से उन्होंने जो 1857 की क्रांति है उसमें हिस्सा लिया, ठीक है, और झांसी इसलिए बहुत इतिहास में फेमस है बेसिकली। तो वो जो रियासत है वो भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लैप्स की नीति के तहत ही डलहौज़ी ने कंपनी के राज्य में मिलाई थी, अपने साथ मिला ली थी। तो इस प्रकार से उनकी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी जो है, उनकी जो साम्राज्यवादी नीति जो है, वो तीन दिशाओं में हमें नज़र आती है। जो दो दिशाएं हैं
वो एक हम कह सकते हैं कि चालबाजी वाली, बहाने वाली, एक एक्सट्रीम इंटेलिजेंस वाली जो नीति है वो नजर है आ रही है हमें। और एक दिशा जो है वो तो सीधे तौर पे युद्ध की दिशा है, जिसके बारे में किसी को कोई इतराज की बात भी नहीं थी, क्योंकि युद्ध में जिसका पलड़ा भारी होता है वो कुदरतन बात है कि वो दूसरे को हरा कर उसकी जमीन हड़प लेता है। लेकिन लैप्स की नीति जो है वो सरेआम एक नजर आ रही है, इतिहासकार कहते हैं कि इससे बुरी नीति या किसी को हड़पने के लिए बुरी बहाने वाली नीति जो है कभी भी इतिहास में देखी नहीं गई, और ये लॉर्ड डलहौजी की एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को दर्शाता था। पर जैसा मैंने पहले बोला कि डलहौजी का समयकाल उसकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति और उसकी सुधारवादी प्रवृत्ति का मिश्रण है। आज जो हमने बात की है वो उसकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की बात की है कि किस प्रकार से वो यहाँ पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी के सुधारों की। तो उम्मीद करता हूँ कि लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति को आपने अच्छे से फॉलो कर लिया होगा। अगर आप ये लेक्चर्स, ये वीडियोस पसंद कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। धन्यवाद।